अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ फ़िश फ्राई। तो चलिए फ़िश फ्राई मैंने कैसे बनाया है आप लोग भी देख लें और झटपट फ़िश फ्राई बना लें। तो चलिए फ़िश फ्राई बनाने के लिए क्या क्या सामान लगेगा बताती हूँ। फ़िश ले लेंगे हम, उसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, नमक तेल और आटा मिलाकर हल्दी इसको अच्छी तरह से वॉश कर ले ताकि मछलियों का बास निकल जाए। बहुत अच्छी तरीके से धोना पड़ता है इसको, नहीं तो इसकी बास आती है। तो मछलियों को हमने धो लिया है और हमें चाहिए टू टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, और सूखे मसालों में चाहिए 2 बड़े चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची, नमक टेस्ट के हिसाब से, भुना जीरा है ये 1 से थोड़ा कम, 1/2 चम्मच हल्दी और गरम मसाला 1/2 चम्मच। तो चलिए हम इसे बनाते हैं इसका पेस्ट। तो चलिए हमने ले लिया है कटोरा, बड़ा सी कटोरा, तो उसमें हम डालेंगे अपने अदरक लहसुन पेस्ट। इसमें पानी मैंने मिला दिया था वो मिक्सर जार में निकालते समय, उसमें धोकर भी पानी ये है 2 ही चम्मच। और इसमें हम मिला देंगे अपने सूखे मसाले, हमें और पानी बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैं मिला दूंगी 1/2 नींबू का रस, आधा और मिला देंगे उसमें निकला ही नहीं। अब हमें मसाले का घोल बना लेना है अच्छी तरीके से। हमारा घोल इस तरह से हम मिला लेंगे, सारे इसमें मसाले मिक्स हैं, अच्छी तरीके से मिला लिया हमने। हमें इतना ही चाहिए, इतना ही गाढ़ा चाहिए और पतला नहीं करना है, हमें अच्छे से मिला लेना है। तो चलिए हमारा घोल हो गया है तैयार। अब हम इसमें मिलाएंगे मछलियों को एक एक करके हम इस मसाले में हमारे घोल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, और साइड में रखते जाएंगे इस तरह। एक एक मछली को उठाएंगे, ऐसे मसाला लगाएंगे और साइड में ऐसे रखते जाएंगे। चलिए हमने सारे मछलियों में मसाले लगा लिए हैं, सारे फिश में मसाले लगा लिए हैं। अभी इसको कम से कम 1/2 घंटे के लिए अभी इसको रेस्ट छोड़ देंगे ताकि मछलियों के अंदर, फिश के अंदर मसाला अच्छी तरह से चला जाए। तो इसे 1/2 घंटे के लिए अब इसे हम ढक्कन बंद करके रख देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हमने रख दिया है फ्राई पैन, हमारा फ्राई पैन हो गया है गर्म। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 कप तेल, हमें डीप फ्राई नहीं करना है इसलिए हमें उतना ही तेल डालना है जितना हमें हमारी मछलियाँ ऐसे ही शैलो फ्राई हो जाएं, और ना ही तेल गर्म एकदम ही ज़्यादा गर्म तेल में भी हमें मछलियाँ नहीं डालना है, मीडियम आँच पर। तो चलिए हमारा तेल हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं है ये, एकदम कम है। तो इसमें हम अपनी मछलियाँ ऐसे डालते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल में आप डालेंगे ना तो हमारा फिश चिपक जाएगा, तो इसलिए डालते जाएंगे ऐसे। चलिए हमने डाल दिया है फिश को, इसे हम मीडियम फ्लेम पर इसी तरह पकने देंगे, हाई फ्लेम नहीं करना है नहीं तो मच्छी जल्दी से जल जाएगी और पकेगी भी नहीं, और लो फ्लेम भी नहीं करना है। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे लीड बंद कर देना है और ये पकने देना है ताकि वो नीचे का अच्छे से पक जाए, फिर हम इसे अल्टी पल्टी कर देंगे। चलिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारे मछलियों को नीचे से अच्छे से पक चुका है। देखिए मैंने एक पल्टी पलट दिया है, अब इन सबको हमें पलट लेना है अच्छे से। अभी इनको पलट कर इनकी दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेना है, फ्राई कर लेना। हमारी मच्छी दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक रही है, देखिए नीचे भी अच्छी तरह से हो चुका है, थोड़ा और क्रिस्पी हो जाए फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारी मच्छी समझ लो पूरी रेडी हो चुकी है, बट थोड़ा सी और नीचे का क्रिस्पीपन और आ जाए फिर हम इसे निकालेंगे। तो चलिए हमारी फिश फ्राई हो चुकी है, बड़ी लजीज और बड़ी टेस्टी से फ्राई हुई है। तो इसे मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए माशाल्लाह हमारी फ़िश फ्राई रेडी है, तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए फ़िश फ्राई, झटपट बन जाने वाली। तो चलिए आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए अल्लाह हाफिज़।